नमस्ते, मेरा नाम अमित है, आप देख रहे हैं लाइफ टाइम टीवी। इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दे रहे हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी। इस वक्त हम नौणी विश्वविद्यालय में, जहां पर ये जो नौणी विश्वविद्यालय के छात्र आप देख रहे हैं ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या इनकी मांगे हैं ये इनसे हम जरूर जानने की हमारी कोशिश रहेगी कि ये कब से जो है धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। ये आप स्लोगन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा है अगला कौन, बूंद बूंद में जॉन्डिस। सो इन्हीं से जानने की हमारी कोशिश रहेगी। आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका मेन मुद्दा क्या है? सर, जैसे कि हमारे आज हॉस्टल में भी पानी, गंदा पानी आ रहा है, उसकी वजह से हमें 41 बच्चे आज जॉन्डिस का शिकार हो चुके हैं यहाँ पे, और एक की जान भी जा चुकी है जी। ये जो पानी दिखा रही है कैमरे के सामने दिखाई है, ये पानी है जी, ये पानी हॉस्टल में आ जा रहा है, ये पानी आ रहा है हॉस्टल में, ये देखिए। इस बच्चे पी के बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे, काफी बच्चे हमारे आईसीयू में बैठे हैं इस समय, एक बच्चे की जान चली गई, इससे आगे और क्या हो सकता है? प्रशासन, नौणी यूनिवर्सिटी आपकी सुन नहीं रहा है? नहीं सुनती, क्या करे, ये पानी है, दवाइयां इनके पास पूरी नहीं है, दवाइयां पूरी नहीं देते, कुछ भी हो एजिथ्रोमाइसिन पकड़ा के दे देते हैं। अब गले का दर्द हो रहा है तो पैरासिटामोल का क्या काम होता है? पैरासिटामोल कौन देते हैं? डाइक्लोफेन देते हैं, हमारे को पैरासिटामोल दी जाती है यहाँ पे। आप अपना नाम बताएं। कृतिका शर्मा, फर्स्ट ईयर। क्या मुद्दा है? एक्चुअली बात सुनो सारे, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, थोड़ी सीरियस है, तो प्लीज जगह छोड़ो, उठो सारे, उठो सारे, उठो सारे, एक साइड एक साइड एक साइड, इधर आइए इधर आइए। बोलिए, आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा हमारा पानी का है और दवाइयों का जी। मैं यहाँ पे आई हूँ फर्स्ट, पहले हफ्ते बीमार मैं गई एक बार, नई दवाइयाँ दे दी इन्होंने, तीन दवाइयाँ देते कि इनके दो यहाँ से और एक बाहर जाके ले लो, दवाइयाँ ली बस उसमें भी दर्द हुई, फिर अगले दिन फिर गई मैं यहाँ पे, फिर वैसे ही। अभी तक नौणी यूनिवर्सिटी में कितने जॉन्डिस के केस आ चुके हैं? मे बी 200 से ऊपर तो आ ही चुके हैं अभी तक। कितने हर बच्चों की? 31 रिपोर्ट्स की कॉपी है सर हमारे पास जॉन्डिस से जो बच्चे हुए, और ये विदिन अभी 1 or 2 months से पहले की, ज्यादा पुरानी रिपोर्ट्स नहीं, जनवरी से रिपोर्ट्स है सर। ये तीन बच्चे आईसीयू में है और उसके लिए भी ये कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे, ना पानी, बोलते सर्विसिंग करवा दिया है। हमारी सर्विस हुई है कूलर्स की पिछले साल और उसकी 6 महीने बाद होनी थी, वो अब तक सर्विस नहीं। नौणी यूनिवर्सिटी के वीसी साहब से आपकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई? नहीं है, हुई नहीं है, हुई नहीं है। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई आया? वो आए बस बोलता है हम तो सारी दवाइयां दे रहे, एक दवाई नहीं, परसों मैं दवाई लेने गई बोलते बाहर से लेके आओ एक दवाई अंदर, सिर्फ पीसीएम एजिथ्रोमाइसिन, उसके अलावा के लिए लड़कियों को यूटीआईज हो रही है और जॉन्डिस दोबारा हो रहे हैं बच्चों को, क्या कर रहे हैं हेल्थ सेंटर वाले? आईसीआर से आए हम लोग, आईसीआर फंड्स भेजती है, क्या हो रहा है यहाँ पे, फंड्स कहाँ यूज हो रहे हैं आईसीआर के? आप क्या कहना चाहेंगी? सर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर उनके एसडब्ल्यू सर ने बताया कि हम करेंगे, 3 महीने का टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, पर बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता, मे भी मैं सॉरी बोलती हूँ, पर अगर उनके बच्चों के साथ ऐसा हुआ तो भी वो ऐसा ही बोलते कि वो 3 महीने का टाइम लेंगे या इतना टाइम लेंगे या हम देखेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, बस हमें यही कहना चाहेंगे प्रशासन को और नॉन यूनिवर्सिटी। प्रशासन का ये है कि वो सिर्फ हमारे से फीस ले रहे हैं, बच्चे 70,000 फीस ले रहे हैं, उनको सोलन मैस बनानी है, उनको लॉन्ड्री बनानी है, उनको
ये नहीं देखना है कि उनका पानी साफ है नहीं है, बच्चों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बस बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं पर कोई SWO में बस बोलते हैं एप्लीकेशन लिख दो हो जाएगा। हमारे पास बहुत साल पहले मतलब 2018 से आई हूँ मैं यहाँ पे, तब से एप्लीकेशन दे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बस ये आप जो स्लोगन दिखा रही है इसमें क्या स्लोगन नहीं है, ये पानी काला हुआ पानी की फोटो है ये, उसके बाद से जो पीने का पानी है ये सब पीने का पानी जिसकी बोला 3 दिन पहले सर्विसिंग हुई है सर, कूलर ठीक हुआ है उसके बाद की है सर पानी। कब से आपको ये नॉन यूनिवर्सिटी में प्रॉब्लम आ रही है सर? प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग से सब से हो गए सर। हमारी तो हमारे हॉस्टल में 6 बच्चों को स्टोन है, स्टोन हार्ड वाटर से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के डिपोजिशन से, तो 2 बच्चों का गॉल ब्लैडर भी रिमूव हो चुका है, तो और किस चीज का वेट करें। अभी एक बच्चा मर गया जॉन्डिस की वजह से, इतने केसेस आए अभी कुछ दिन पहले की बात, और कितने बच्चों को जॉन्डिस हुआ, शुक्र है वो तो बचे हैं, और अब भी सर कह रहे हैं कि आप वेट करो वेट करो। हम कितना वेट करें, और बच्चा किसी की और मिस हैपनिंग हो जाएगी, तब तक वेट करते रहेंगे। कितने छात्र अभी एडमिट है हॉस्पिटल में जॉन्डिस के? सर सबको घर भेज देते हैं हॉस्टल में, यहाँ एडमिट तो करते ही नहीं, बोलते बीमार हो गए घर जाओ, हॉस्टल में भी नहीं रहो। 3 ICU में है, 3 अभी भी ICU में है, और कितने बच्चे घर चले गए हैं उनका तो रिकॉर्ड ही नहीं है। हमारी तो 3 महीने टूटी हुई है सर, मैं ICR से आई हूँ बिहार से इधर को पढ़ने को, हमारी तो हॉस्टल्स की बिल्डिंग टूटी हुई है, 2 दीवारों के बीच से हम बाहर देख सकते हैं, सीलन भरी हुई है सर, भरी हुई है जिसको कहते हैं ना भरी हुई है, लाइट नहीं है, फैन नहीं है सर, यहाँ तक कि सैनिटेशन की तो बद से बदतर हालत, इतनी हालत इतनी बेकार है ना मैं बता नहीं सकती सर, आप चल के देख लो, मैं चल के दिखाने को तैयार हूँ। आप भी क्या NGH में तब लगेगा इनको पता कैसे रहते हैं लोग, एक अर्थक्वेक का वेट कर रहे हैं लोग, जब अर्थक्वेक आएगा 3 सेकंड के अभी आ रहा है सर, हमारी पूरी की पूरी हॉस्टल ध्वस्त हो जाएगी, 118 लड़कियां मरेंगी, तब भी इनको ध्यान आएगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फीस तो आप पूरी ले रहे हो, पहले दो फिर हम फीस देंगे, फैसिलिटी नहीं किस बात की, और जिनके पास जाओ ना तो बोलते आप एशिया के सबसे अच्छे से कॉलेज में आ रहे हो, घटिया कॉलेज है सर, घंटा अच्छा है ये, अगर ये अच्छा है तो लॉन्ड्री के पैसे जमा कराने का रात को लेटर आता है, और पानी के लिए कोई लेटर नहीं कुछ नहीं, इतना प्रोटेस्ट कर रहे तब भी नहीं, वो पहले लेटर जमा कराओगे तब हॉस्टल में एंट्री मिलेगी, पहले 3,000 सुबह सुबह जमा होना चाहिए, नहीं तो लेट फीस लगेगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? रिटर्न एग्रीमेंट तो आप दे सकते हो ना डेट के साथ और सिग्नेचर के साथ, वो भी तैयार नहीं, वो तैयार नहीं है, हमसे लोग एग्रीमेंट बनाते हैं कि तुम हमारे दो सारे लेटर्स दो, तो ये लोग क्यों नहीं हमें लेटर्स दे रहे हैं? हम आपको उनको भर भर के लेटर्स दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आज तक कुछ नहीं हो रहा है, दरवाजे टूटे खिड़कियाँ टूटी हर चीज पर, किसी चीज का कोई सर हमारी में आप सर जो हॉस्टल की टंकी है ना जिनमें हमें पानी पीने के लिए आता है उनमें बंदर तक नहा रहे हैं, वो वीडियोस हमारे पास पूरी वीडियोस पर, इनको दिखाई तो इन्होंने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बंदर तो होते हैं तो बंदरों को हम नहीं रख सकते, ये क्या बात है सर? हमारा ये सजेशन है कि जब तक हमें पानी की समस्या समाधान नहीं होती है तब तक हर हॉस्टल के लिए बाहर से RO का कैंटर लेके आया जाए जब तक ये ठीक नहीं होता है। चलिए यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट से हमने बात की उनका यही कहना है कि इनकी जो है पानी को लेकर सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर चली आ रही है। अभी पहले ठीक यहाँ पे कुछ स्टूडेंट से बात करना चाहेंगे, बैठे हैं, आपका नाम क्या और कब से आपको यहाँ पर जो है नॉन यूनिवर्सिटी में पानी की प्रॉब्लम आ रही है? ये हमें बहुत पहले से आ रही है, जब से हम कॉलेज में आए तब से। हमारी पानी की सर पानी की प्रॉब्लम तो कब से ही है, लेकिन अब जैसे जॉन्डिस ज्यादा बढ़ गया है और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फैल रही है और इससे एक बच्चे की डेथ भी हो गई है, तो हम चाहते हैं कि हमारी सारी जो टैंकी है पानी है उसके प्रॉपर सैंपल्स लिए जाए, उसका टेस्ट किया जाए, और अगर कोई गंदगी स्पॉट होती है तो उसको साफ सफाई की जाए, और हमारे हॉस्टल्स में प्योरीफायर लगवाए जाएं, और सर बहुत सारी डिमांड हो रही है जैसे हमारे हेल्थ सेंटर से रिलेटेड, वहाँ पे मेडिसिन प्रॉपर नहीं है, पूरी मेडिसिन नहीं है, बच्चे कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हैं जैसे दर्द हो रही है कहीं भी, तो सबको एक ही दवाई दे देते हैं प्रॉपर, और Amen.
ये आपने सीधी तस्वीरें देखी नौणी विश्वविद्यालय से, जहां पर जो है नौणी विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो धरने पे बैठे हैं। इन्हें जो है पानी की सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां पर जो है जॉन्डिस हो चुका है। सो मेरे साथ बात करने के लिए यहीं के कुछ छात्र हैं, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम लक्ष्य मोक्ता है। सर मैं कब से ये आपको जो है पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है? सर ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि जो अभी अराइज हुई है, ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है सर कि अभी से अराइज हुई है। काफी टाइम से हम इन चीजों को फेस कर रहे हैं और हमारा एक रहता है कि भाई हमारा जो कॉलेज प्रशासन है और जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे वार्डन्स हैं, हमारे वीसी सर हैं, हमें ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि हमारे जो वीसी सर है, एसडब्ल्यू सर है और जो भी हमारे टीचर्स है, इवन वार्डन्स है, हम ये चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारे पास आए और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, वो जाने। आपके हाथ में ये पानी की बोतल, ये सैंपल है क्या? सर ये मैं वाटर सैंपल, आप ये है मेरे साथ जी। सर मैं, आप देख सकते हैं कि कितना गंदा इस टाइम ये पानी है और यही पानी सर हम पी रहे हैं। इस तरह का पानी हमारे को पीना पड़ रहा है सर जी। और इश्यू ये नहीं है सर, खाने की, जो खाना हमारा बनता है उसमें भी कोई चेकिंग नहीं हो रही है जी। वार्डन्स कोई चीज पता नहीं है क्या चल रहा है हॉस्टल में, क्या नहीं चल रहा है। वीसी सर है, कभी हमारे बीच में नहीं आए कि भाई What are the problems you are facing? कब से आप ये पानी की प्रॉब्लम फेसिंग कर? सर ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि अब ये राइज हो, ये काफी टाइम से ये प्रॉब्लम राइज हो रही है और ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नहीं गए हैं। हमने ये वीसी सर तक भी ये बात पहुंचाई है कि सर हमारे को ये इश्यूज आ रहे हैं और प्लीज इसको सर आप सॉल्व करें। क्या जल विभाग के कर्मचारी यहाँ नहीं आते? सर कोई जल विभाग का कर्मचारी यहाँ पे नहीं आया है सर। आप पानी बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है सर, पानी कितना गंदा है इस टाइम और यही पानी हम पी रहे हैं। क्यों?
अभी तक नॉन यूनिवर्सिटी के कितने जो छात्र हैं वो जॉन्डिस से बीमार हो सर? अभी कम से कम 40-50 स्टूडेंट्स कम से कम जो है जॉन्डिस को फेस कर रहे हैं, और इतने सेवियर तरीके से फेस कर रहे हैं सर। अभी मेरे को पता चला कि अभी एक हॉस्टल की लड़की हमारी स्टूडेंट वो आईसीयू से अभी बाहर निकली है इसी केस की वजह से सर। और हमारी एक हमारी एक ये सर और हमारी बैचमेट है अर्षिता जिसका नाम है, उसको भी हमने इसी बीमारी की वजह से खोया है सर। और वो सर डील कॉलेज प्रशासन की है पूरी। वो लड़की गई थी हेल्थ सेंटर गया था, वहाँ पे उनका जो चेकअप है वो कुछ और ही उनको बताया कि गैस्ट्रिक है या फिर ऐसा कुछ जो हमें पता चला है सर, जो हमने इन्फॉर्मेशन अंदर से ली हुई है। तो अगर वो चीज़ टाइमली सॉल्व हो गई होती सर तो आज वो भी हमारे बीच होती, उसका भी दुख है। और ये प्रॉब्लम सर अगर आज हम यहाँ पे नहीं बैठते सर तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो कॉलेज प्रशासन है तो उनका क्या स्टेप है जी? आपका ये जो धरना है वो कब तक चलने वाला है सर? ये तब तक चलेगा जब तक वीसी सर हमारे यहाँ नहीं आती, और जब तक हमारे हम चाहते पूरा हमारे जो कूलर्स है इवन जो हमारा वाटर प्योरिफिकेशन है ये सिस्टम सारा चेक हो जी। और जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है सर वो बस हमारे से जाने, हम वो चाहते कि वो पूरा करे सर। नौनी प्रशासन से और हेल्थ डिपार्टमेंट से आप सभी एक बार अपनी मांग बताएं सर। सर हमने पहले इनको एक लेटर दे दिया लिख के जिसमें 15-16 डिमांड हमारी ऐसी हैं जो हम इनको दे रहे हैं। कोई किक करके एक दो बता सर। एक तो पहले आरओ प्यूरीफायर्स वो 10 दिन में ठीक करते हैं ये, फिर 10 दिन बाद दोबारा वो खराब हो जाते हैं सर। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं इनको रिप्लेस करो, हमारे नए लगाए जाए, हमारे हॉस्टल हम रह नहीं पाएंगे सर नहीं तो। और सर जैसे हमारा हेल्थ सेंटर है वहाँ पे दवाइयों की कमी है, हम इनको बोल रहे हैं हमारी अवेलेबिलिटी पूरी हो दवाइयों की, ये ना हो कि हमारे को जब जरूरत है चाहे हमारे को रात को 12 बजे जरूरत पड़ रही है तो हमारे को बाहर नहीं जाना पड़ रहा बाहर हमारी इतनी इफेक्ट। और सर थोड़ी सी जो रूटीन चेकअप हो स्टूडेंट्स का यहाँ पे, ठीक है, महीने में या 2 महीने के बाद रूटीन चेकअप होना चाहिए। ठीक है सर, और थोड़े बहुत और जैसे डस्टबिन कैंपस में लगे होने चाहिए सर, ये थोड़ी बहुत डिमांडें हैं, बाकी डिमांडें बहुत है सर, हमने इनको बता दी हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे सर एक्शन क्या होगा। 3 महीने का एक सेमेस्टर निकला है, 3 महीने का सेमेस्टर, उसको डेडलाइन होती है कि 2 दिन में आपको फीस भरनी है। हम इनको कितनी डेडलाइन दे बताओ, हमें क्यों कितनी डाले के हाँ, अब प्यूरीफाई लगाओ, अब आप पानी लगाओ, कितना बार बोले इनको? फीस पूरी ली जा रही है, फीस पूरी के नाम पे सर। 3 महीने का एक सेमेस्टर है, एक साल में हम सेकंड ईयर में पहुंच गए हैं, सेकंड ईयर खत्म होने को है 3 महीने बाद जी। और ये कह रहे कि 2 दिन में आप फीस भरो वरना उसके बाद फाइन लगेगा, इनको क्या फाइन लगाए हम, इनको क्या बोले सर? मतलब अल्टीमेटली ये सर जो हमारा कॉलेज प्रशासन है सर, कोई भी सपोर्ट कोई भी कोऑपरेशन हमारे साथ नहीं हो रही है सर। हम अपने कॉलेज प्रशासन को हमारे वीसी सर को जो भी हमारे टीचर्स है फैकल्टी है पूरा सपोर्ट स्टूडेंट्स से मिलता है सर, और हमें इंटर्न सर हमें ये चीजें फेस करनी पड़ रही है। और 35 लोगों की ये रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट है ये सर, इस सबको जॉन्डिस पॉजिटिव रिपोर्ट है जो भी मेडिकल इश्यूज है सर। और सर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो कॉलेज प्रशासन है सर इस चीज पे थोड़ा ध्यान दे। सरकार से कोई डिमांड आपकी सर? सरकार से यही डिमांड है सर कि इस चीज को थोड़ा सर देखे, थोड़ा वीसी सर से हमारे ये चीज रखे कि स्टूडेंट के साथ थोड़ा सर बिहेव और जो चीज हमारे इश्यूज है वो रेगुलरली सॉल्व हो सर। कुछ गर्ल्स हमारे साथ है, आप अपना नाम बताएं। सर मेरा नाम तनुप्रिया है, मैं बिहार से ICAR के थ्रू इस कॉलेज में आई हूँ। कितना टाइम आपको नॉन यूनिवर्सिटी में? सर एक महीना हो गया, मैं फरवरी 4 को आई थी। ठीक है सर, उस दिन से क्या, मैं क्या प्रॉब्लम आपको जो है नॉन यूनिवर्सिटी में आप जब घर से यहाँ पे आए? सर पहली बात तो यहाँ का पानी सर, हमें पानी खरीद कर पीना पड़ा। आप सोच रहे हो 160 रुपए बंडल आते हैं हमारे लिए स्पेशली, उसके पैसे हमें देने पड़ते हैं। तो सर अगर हम कॉलेज में आए, हमने फीस दिया, हम एग्जाम क्रैक करके आए, तो क्या हम पानी खरीद कर पीने को आए इधर को? तो फिर इनका क्या करे सर? ये इनके पास कंप्लेन करो तो ये बोलते हैं कि आप एप्लीकेशन दो। कितनी एप्लीकेशन दे आप बताओ? हमारी बिल्डिंग की भी प्रॉब्लम है सर, NGH हॉस्टल नाम है हमारे हॉस्टल का जी। आप जाकर देखो सर, हमारी बिल्डिंग्स की दीवारें हैं ना, दीवारें उनके बीच से हम बाहर देख सकते हैं, वो दीवारें टूट गई हैं। हर एक रूम में सीलन है सर, सीलन, और इतनी सीलन है कि कोई इंसान उसमें रह नहीं सकता सर। जब बारिश आएगी ना तब आप आओ हमारे रूम में देखो, पूरी पानी आती है। और तीसरी बात है सैनिटेशन की सर, एक है डस्टबिन छोटा सा, कितने बच्चे हैं? एक रूम है, 8 बच्चे हैं सर, एक वॉशरूम है, 2 डॉमेट्री के लिए, ठीक है, 8 बच्चों का है सर, एक छोटी सी डस्टबिन, कितने बच्चे क्या फेंके आप बताओ? दो, कितने बच्चे क्या फेंकेंगे आप बताओ सर? ठीक है, बंदर भी आते हैं सर, पूरी तबाही मचा कर चले जाते, सारा बिखेर देते हमारी गंदगी।
और जब हेल्थ सेंटर जाते हैं ना सर, तो गिनी लिखी दो दवाइयाँ होती है हमारे यहाँ, पैरासिटामोल और इथ्रोमाइसिन, ठीक है। कुछ भी हो, गला दर्द हो, मेरी रूममेट है सर, ठीक है, वो कुछ दिन पहले गई थी, और एक और रूममेट है हमारी बगल की फ्लोरमेट है, वो भी गई थी, उनको सर दर्द था, इरिथ्रोमाइसिन क्या करेगा सर आप बताओ, उसमें इरिथ्रोमाइसिन का क्या लेना देना, और इंजेक्शन डाल देते हैं डायरेक्ट, मतलब क्या कर रहे हो आप, आपके पास दो दवाइयां तो बोल दो ना भाई कि दो ही दवाइयां है हमारे पास, इनके पास जाओ ना कंप्लेन लेकर। तो ये बोलते हैं आप एशिया के सबसे बेस्ट कॉलेज में, किस बात का बेस्ट सर, दीवारें आपकी टूटी हुई है, अगर एक अर्थक्वेक आया ना सर, छोटा सा माइनर सा भी अर्थक्वेक आया ना, हमारी हॉस्टल गिर जाएगी, 118 लड़कियां रहती है सर, उनकी जाने जाने के बाद आपको दिमाग में हो जाएगा, मैं तो ये पूछती हूँ किसी की जान जाए उससे पहले आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे हो भाई, जान जाने के पास, जान जाने के बाद एक्शन लेने का क्या मतलब है, आप प्रशासन हो ना, कॉलेज प्रशासन, आपकी जिम्मेदारी है कि आप देखो कॉलेज को, एक एक हॉस्टल देखो, ये क्या हो रहा है, हम आए आपके पास तब आप बोलोगे, या तो आपकी ड्यूटी है कि हर महीने आप इंस्पेक्शन के लिए आओ हमारे यहाँ। मैं यहाँ पे आपके पास आना चाहूंगा, यहाँ पे जो जिस लड़की की जान गई है वो कितने दिन पहले गई है, हुआ क्या था एग्जैक्ट? जनवरी मंथ में एग्जाम लगे थे, वो फिर भी टीचर वगैरह के पास गई कि हाँ बीमार है करके, फिर भी नहीं, फिर उनको जॉन्डिस हो गया था मतलब, तो पर यहाँ बोला डॉक्टर ने कि उनको अपेंडिक्स है, पर उसकी दवाई देते रहे उसका, फिर बाद में टांडा मेडिकल कॉलेज में बोला कि उसका लीवर ही खराब हो चुका है, वो एक मंथ से आईसीयू में थी, अभी वो पास आउट हुई है 2-3 दिन पहले, ये फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कोई भी एक्शन, और हम सुबह यहाँ 9 बजे से बैठे हैं, फिर भी कोई वो नहीं है कि ठीक है बैठे रहो, कोई एक्शन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, नहीं आया, SWO सर आए थे थोड़ी देर पहले बस, बाकी कोई भी नहीं आया। सरकार से आपकी मांग कि पानी हमें सप्लाई, जब तक पूरा नहीं होता है साफ सफाई तो ठीक है, हमें बाहर से पानी प्रोवाइड करवा दो, नहीं हटेगा ये, नहीं हटेगा, हम भी ICR से आए हैं सर, ICR क्या प्रोवाइड कर रहा है हमको, कहाँ जा रहे हैं फंड, और जो डस्टबिन है हमारे वो 2 कॉमन रूम का एक छोटा सा डस्टबिन है, उसके अंदर गार्बेज फ्लो करता है उसके ऊपर में, और UTIs हो रही हैं लड़कियों को, फिर ये क्या करेंगे, गलत बात है सर, ये होना चाहिए। चलिए थैंक यू। आपने ये सीधी तस्वीरें देखी नौणी विश्वविद्यालय से, जहां पर जो है यहाँ के जो नौणी विश्वविद्यालय के छात्र है वो सुबह तकरीबन 9 बजे से चक्का जाम पे बैठे हैं, इनकी एक ही मांग है कि पानी जो है वो साफ सुथरा इन्हें पीने को मिलना चाहिए, क्योंकि अभी हम देख रहे थे यहाँ के जो छात्र थे उनके पास जो है 35 जो रिपोर्ट्स है वो उनके पास थी, जो 35 छात्रों को यहाँ पर जॉन्डिस हो चुका है और कुछ एडमिट भी चल रहे हैं, इनकी एक ही मांग है कि जब तक इनकी जो पानी की समस्या है वो ठीक नहीं कर दी जाती तब तक उनका ये जो चक्का जाम है ऐसे ही चलता रहेगा। सुबह 9 बजे से ये छात्र यहाँ पर बैठे हैं, और कल भी अगर उनकी मांग नहीं सुनी गई तो कल भी ये जो है यहाँ पर चक्का जाम करेंगे। आप देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित पुंडीर, ये सीधी तस्वीरें आपने देखी नौणी विश्वविद्यालय से, जहां पर जो है ये जितने भी छात्र आप देख रहे हैं इनके हाथों में बॉटल्स है, स्लोगन्स है, इनकी एक ही समस्या है कि जो पानी जो पीने का है वो खराब चल रहा है, उसे बिल्कुल सही किया जाए। देखते रहिए लाइफ टाइम्स टीवी, मेरा नाम है अमित पुंडीर, इस वीडियो स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी।